नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सरकारी टुडे न्यूज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आप सभी के लिए बड़ी खुशखबरी है क्योंकि मई और जून के 2022 के महीने में आ चुकी है बम्पर वैकेंसियां। जी हां दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आज की सरकारी नौकरियों के बारे में जो कि इस साल 2022 की बम्पर भर्ती है और मई और जून के महीने में बम्पर भर्तियों का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं, 75,000 पदों पर यह बम्पर भर्तियों की सूचना जारी हो चुकी है जो कि ऑल ओवर इंडिया की जॉब है, यानी कि पूरे भारत से सभी महिला और पुरुष अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं इस भर्ती के लिए। दोस्तों, आवेदन जो है शुरू हो चुके हैं, स्टेप बाय स्टेप आपको भर्तियों की तमाम जानकारी देंगे, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, अगर आप कक्षा 8वीं पास है, 10वीं पास है, 12वीं पास है और ग्रेजुएट पास है तो आप सभी अभ्यर्थी अप्लाई जरूर कीजिएगा। और अगर आप बेरोजगार हैं, अगर आप चाहते हैं सरकारी नौकरी पाना इस साल 2022 में, तो दोस्तों हम आपको बताएंगे कैसे मिलेगी आपको एक सरकारी नौकरी। जी हां दोस्तों, बिना परीक्षा के सीधी भर्तियों की सूचना भी यहां पर देखने को रही है। तो तमाम जानकारी आज के इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं बम्पर भर्तियों की, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। रोजाना इसी प्रकार नई भर्तियों की जानकारी के लिए चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मई जून 2022 की बम्पर भर्तियों के बारे में जो कि 75,000 पदों पर महाभर्ती है। जी हां दोस्तों, इस साल 2022 की यह बम्पर भर्ती है, 75,000 पदों पर यह भर्ती की सूचना जारी हो चुकी है जो कि पूरे भारत के लिए भर्ती है। दोस्तों, रेलवे, एसएससी, बैंक, पुलिस, आर्मी, पोस्ट ऑफिस, इन सभी सरकारी डिपार्टमेंट से ये भर्तियों की सूचना जारी कर दी गई है जो कि कुल मिलाकर 75,000 पदों पर भर्तियां हैं। ऑल ओवर इंडिया की जॉब है, पूरे भारत से आवेदन मांगे जा रहे हैं, मेल और फीमेल, महिला और पुरुष सभी अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं इन भर्तियों के लिए। सरकारी नौकरियां हैं, गवर्नमेंट जॉब है। योग्यता की बात करते हैं तो कक्षा 8वीं पास कम से कम अगर आप हैं तो आप अप्लाई करने के लिए योग्य हैं, और अगर आप 8वीं के अलावा 10वीं पास हैं, 12वीं पास हैं या ग्रेजुएट पास हैं किसी भी विषय के अंतर्गत तो आप सभी अभ्यर्थी जो हैं अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बाकी सभी जानकारी के लिए सीधा आपको हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर लेके चलते हैं। दोस्तों, इन बम्पर भर्तियों की जानकारी और अप्लाई करने का लिंक मिलेगा आपको sarkaritodaynews.com की ऑफिशियल वेबसाइट पर। आज ही हमारी वेबसाइट पर जाएं, भर्तियों की जानकारी लें और अप्लाई करें। दोस्तों, आप चाहें तो गूगल में भी सर्च कर सकते हैं, sarkaritodaynews.com। जैसे आप सर्च करेंगे, सबसे ऊपर सबसे पहले आपको वेबसाइट मिल जाएगी, यहां पर आप जाकर के भर्तियों की जानकारी ले सकते हैं और अप्लाई भी कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बम्पर भर्तियों के बारे में जो कि 75,000 पदों पर नई भर्तियां हैं सरकारी डिपार्टमेंट से। तो दोस्तों, एक एक करके आपको भर्तियों की जानकारी देंगे। 10 भर्तियों की जानकारी है, 10 भर्तियों की जानकारी आपको देंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे नंबर 1 भर्ती की जो निकाली जा रही है पशुपालन विभाग की तरफ से बम्पर भर्ती की। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यह भर्ती की सूचना जारी कर दी गई है जो कि लाइव स्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड की तरफ से है। दोस्तों, यहां पर आप देखते हैं मल्टीपर्पज पोस्ट पर नोटिफिकेशन जारी किया गया है। टेक्नीशियन के पदों पर 2,000 पद यहां पर जारी हो चुके हैं। अप्लाई केवल आपको ऑनलाइन करना होगा, चयन प्रक्रिया इस पर रूल्स है और उत्तर प्रदेश इंडिया की जॉब लोकेशन है। उम्र सीमा जो है कम से कम 18 साल है, अधिकतम जो है 40 साल है। आयु सीमा में छूट है सरकार के नियम अनुसार। वहीं दोस्तों, आवेदन शुल्क जो है बिल्कुल फ्री है सभी अभ्यर्थियों के लिए, और योग्यता की बात करते हैं तो केवल 10वीं पास से लेकर के 12वीं पास और ग्रेजुएट पास सभी अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, इसके आवेदन जो है शुरू हो चुके हैं, 10 जून 2022 इसकी लास्ट डेट है। यह रहा लिंक अप्लाई करने का नोटिफिकेशन के साथ। वहीं दोस्तों, दूसरे नंबर की भर्ती जो जारी की गई है वह है दिल्ली पुलिस की तरफ से। जी हां दोस्तों, एसएससी दिल्ली पुलिस की तरफ से भर्ती की सूचना जारी हो चुकी है। बम्पर वैकेंसी है, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के पद जारी किए गए हैं जो कि ग्रुप सी के पद है। 835 पदों पर यह भर्ती की सूचना जारी की गई है, जिसके लिए केवल आपको दोस्तों ऑनलाइन आवेदन करना होगा। चयन प्रक्रिया में केवल आपकी लिखित परीक्षा होगी और सैलरी आपको 25,500 से 81,100 रुपए प्रतिमाह सैलरी मिलेगी। वहीं दोस्तों, उम्र सीमा जो है कम से कम 18 साल है, अधिकतम जो है 25 साल है। आयु सीमा में छूट है सरकार के नियम अनुसार, और योग्यता की बात करते हैं तो केवल 12वीं कक्षा पास अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकते हैं। आवेदन जो है शुरू हो चुके हैं 17 मई से 16 जून 2022 की लास्ट डेट है। यह रहा लिंक अप्लाई करने का नोटिफिकेशन के साथ। वहीं दोस्तों, एक और नई और बम्पर वैकेंसी आ चुकी है जो कि पोस्ट ऑफिस की तरफ से है, यानी कि भारतीय डाक विभाग की तरफ से है। जी हां दोस्तों, इंडिया पोस्ट ऑफिस की तरफ से ग्रामीण डाक सेवक GDS की बम्पर वैकेंसी आ चुकी है। 38,926 पदों पर यह महाभर्ती की सूचना जारी हो चुकी है। अप्लाई केवल आपको दोस्तों ऑनलाइन ही करना होगा। सैलरी आपको 10,000 से 14,000 रुपए प्रतिमाह सैलरी मिलेगी। वहीं उम्र सीमा जो है कम से कम 18 साल है, अधिकतम जो है 40 साल है। आयु सीमा में छूट है सरकार के नियम अनुसार, और आवेदन शुल्क जो है जनरल ओबीसी के लिए 100 रुपए है, एससी एसटी पीडब्ल्यू के लिए बिल्कुल फ्री है। पेमेंट केवल आपको ऑनलाइन करना होगा। वहीं दोस्तों, योग्यता की बात करते हैं तो केवल 10वीं कक्षा पास अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकते हैं, या फिर आप 10वीं के अलावा 12वीं या ग्रेजुएट पास है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन जो है 2 मई से 5 जून तक चलेंगे। 5 जून 2022 इसकी लास्ट डेट है। ये रहा लिंक अप्लाई करने का नोटिफिकेशन के साथ। वहीं दोस्तों, एक और नई और बड़ी भर्ती की सूचना जारी हो चुकी है जो कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन SSC की तरफ से नई और बड़ी भर्ती है। जी हां दोस्तों, यहां
यहां पर फेस 10 के पदों पर नई भर्ती की सूचना जारी हो चुकी है और यहाँ पर जो लेवल है मैट्रिक से लेकर के इंटरमीडिएट और ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसी है, यानी कि 10वीं पास कैंडिडेट से लेकर के 12वीं पास और ग्रेजुएट पास सभी कैंडिडेट्स के लिए भर्ती आ चुकी है। कुल मिला के 2065 पद यहाँ पर जारी किए गए हैं, जिसके लिए केवल आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। पूरे भारत से आवेदन मांगे जा रहे हैं इस भर्ती के लिए। चयन प्रक्रिया में केवल आपकी लिखित परीक्षा होगी। जॉब लोकेशन पूरे भारत की है। उम्र सीमा जो है कम से कम 18 है, अधिकतम जो है 30 साल है। आयु सीमा में छूट है सरकार के नियमानुसार। वहीं दोस्तों आवेदन शुल्क जो है जनरल ओबीसी के लिए 100 रुपए है, एससी एसटी वुमेन और एक्सरसाइजमैन के लिए बिल्कुल फ्री है। पेमेंट केवल आपको ऑनलाइन करना होगा। वहीं योग्यता की बात करते हैं तो 10वीं पास से लेकर के 12वीं पास और ग्रेजुएट पास सभी अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं इस भर्ती के लिए। आवेदन जो है 12 मई से शुरू हो चुके हैं, 13 जून 2022 इसकी लास्ट डेट है, तो आवेदन शुरू हो चुके हैं। ये रहा लिंक अप्लाई करने का नोटिफिकेशन के साथ। वहीं दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एक और महाभर्ती की जो निकाली जा रही है पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट की तरफ से, एचपी की तरफ से। जी हां दोस्तों, मल्टीटास्क वर्कर के पदों पर यह बंपर भर्ती की सूचना जारी हो चुकी है। पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट से यह भर्ती की सूचना जारी की गई है। 5000 पदों पर यह भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। अप्लाई केवल आपको ऑफलाइन ही करना होगा, बाय पोस्ट ही आपको दोस्तों फॉर्म भर के जमा करना होगा। चयन प्रक्रिया में आपकी मेरिट के आधार पर चयन होगा, आपकी कोई भी परीक्षा नहीं होगी, सीधी भर्ती है। उम्र सीमा जो है कम से कम 18 साल है, अधिकतम जो है 45 साल है और आयु सीमा में छूट है सरकार के नियमानुसार। वहीं दोस्तों आवेदन शुल्क जो है बिल्कुल फ्री है सभी अभ्यर्थियों के लिए। योग्यता की बात करते हैं तो केवल 8वीं कक्षा पास अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, 5000 पद हैं जो कि 8वीं कक्षा पास अभ्यर्थियों के लिए हैं। 8वीं के अलावा अगर आप 10वीं 12वीं स्नातक भी हैं तब भी आपको केवल 8वीं के आधार पर ही अप्लाई करना होगा। दोस्तों इसके आवेदन जल्द ही शुरू हो रहे हैं, यहां से आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, ऑफिशियल नोटिफिकेशन का जारी हो चुका है। वहीं दोस्तों एक और नई और बड़ी भर्ती आ चुकी है जो कि आप देख सकते हैं क्लर्क के पदों पर बंपर भर्ती है। जी हां दोस्तों, पंजाब सबॉर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड द्वारा आ चुकी है क्लर्क के पदों पर बंपर भर्ती। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं क्लर्क और लीगल क्लर्क के पदों पर यह भर्ती की सूचना जारी की गई है। 1200 पदों पर यह भर्ती की सूचना जारी की गई है, जिसके लिए केवल आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा और टाइपिंग टेस्ट आपका लिया जाएगा। सैलरी आपको 19,900 रुपए लेवल 2 के अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिलेगी। अक्रोज पंजाब की जॉब लोकेशन है, यानी कि पूरे पंजाब की जॉब लोकेशन यहां पर रखी गई है। और उम्र सीमा जो है कम से कम 18 साल है, अधिकतम जो है 37 साल है। आयु सीमा में छूट है सरकार के नियमानुसार। वहीं दोस्तों आवेदन शुल्क जो है सभी के लिए यहां पर आवेदन शुल्क है, जैसा कि आप इससे जनरल के लिए 1000 है, एससी बीसी ईडब्ल्यूसी के लिए 250 है, एक्सरसाइजमैन के लिए 200 है, पीएच के लिए 250 है। और पेमेंट जो है आप सभी अभ्यर्थियों को ऑनलाइन करना होगा किसी भी माध्यम से। योग्यता की बात करते हैं तो अगर आप ग्रेजुएट पास है किसी भी विषय के अंतर्गत तो आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर अगर आप एलएलबी पास है तो लीगल क्लर्क के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों इसके आवेदन जो है 15 मई से शुरू हो चुके हैं, 15 जून 2022 इसकी लास्ट डेट है। ये रहा लिंक अप्लाई करने का नोटिफिकेशन के साथ। वहीं दोस्तों रेलवे की तरफ से भी आ चुकी है नई और बंपर वैकेंसी, जैसा कि आप देख सकते हैं साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे की तरफ से आ चुकी है नई भर्ती। यहां पर जो पद जारी किए गए हैं फिटर, इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, आरएसी मैकेनिक, वेल्डर, प्लंबर, पेंटर, कारपेंटर, मैकेनिक, टर्नर और अदर पोस्ट यहां पर जारी की गई है। कुल मिला के 1033 पदों पर यह भर्ती की सूचना जारी की गई है, जिसके लिए केवल आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। पूरे भारत से सभी महिला और पुरुष अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। चयन प्रक्रिया में केवल आपका मेरिट के आधार पर चयन होगा, ना तो आपकी परीक्षा होगी ना ही कोई आपका इंटरव्यू होगा, सीधी भर्ती है। उम्र सीमा जो है कम से कम 15 है, अधिकतम जो है 24 साल है। आयु सीमा में छूट है सरकार के नियमानुसार। वहीं दोस्तों यहां पर जो आवेदन शुल्क है जनरल ओबीसी के लिए 100 रुपए है, एससी एसटी के लिए फ्री है। पेमेंट केवल आपको ऑनलाइन करना होगा। योग्यता की बात करते हैं तो यहां पर 10वीं क्लास से लेकर के 12वीं क्लास और आईटीआई पास सभी अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। आवेदन जो है 25 अप्रैल से 24 मई तक चलेंगे। ये रहा लिंक अप्लाई करने का नोटिफिकेशन के साथ। वहीं दोस्तों एक और नई भर्ती की सूचना जारी हो चुकी है जो कि आप देख सकते हैं पंजाब सबॉर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से है। दोस्तों यहां पर आपको बता दें कि ये जो भर्ती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से भर्ती है, जो कि PSSSB की तरफ से निकाली गई है। यहां पर जो पद है इंडस्ट्रियल इंस्पेक्टर के पद है, एक्साइज इंस्पेक्टर के पद है, ब्लॉक लेवल एक्सटेंशन ऑफिसर के पद है। कुल मिला के 107 पदों पर यह बड़ी भर्ती की सूचना जारी की गई है, जिसके लिए केवल आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। सैलरी आपको 35,400 रुपए प्रतिमा मिलेगी और पंजाब की जॉब लोकेशन है। उम्र सीमा जो है कम से कम 18 साल है, अधिकतम जो है 37 साल है। आवेदन शुल्क यहां पर भी जनरल के लिए 1000 है, एससी बीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 250 है, एक्सरसाइजमैन के लिए 200 है। पेमेंट आपको ऑनलाइन करना होगा। योग्यता की बात करते हैं तो अगर आप ग्रेजुएट पास है किसी भी विषय के अंतर्गत तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके आवेदन जो है 23 मई से शुरू हो चुके हैं, लगभग 15 जून तक इसके अप्लाई करें आवेदन चलेंगे। ये रहा लिंक अप्लाई करने का नोटिफिकेशन के साथ। वहीं दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एक और नई भर्ती की जो निकाली जा रही है भारतीय वायुसेना की तरफ से, यानी कि इंडियन एयरफोर्स की तरफ से। दोस्तों यहां पर एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क के पदों पर नई भर्ती की सूचना जारी हो चुकी है, जिसके लिए केवल आपको ऑफलाइन आवेदन करना होगा, बाय पोस्ट ही आपको फॉर्म भर के जमा करना होगा। पूरे भारत से आवेदन मांगे जा रहे हैं, यानी कि भारत के किसी भी राज्य या जिले में रहते हैं तो आप सभी महिला और पुरुष अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। सैलरी आपको लेवल 2 के अकॉर्डिंग मिलेगी, जो कि 7CPC के अनुसार होगी। उम्र सीमा जो है कम से कम 18 साल है, अधिकतम जो है 25 साल है। आयु सीमा में छूट है सरकार के नियमानुसार।
अनुसार, और आवेदन शुल्क जो है बिल्कुल फ्री है सभी के लिए। योग्यता की बात करते हैं तो केवल 12वीं कक्षा पास अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। कुल पदों की संख्या 4 है। दोस्तों इसके आवेदन जो है 14 मई से शुरू हो चुके हैं। 30 दिनों के भीतर आपको अप्लाई करना होगा। ये रहा लिंक एप्लीकेशन फॉर्म का नोटिफिकेशन के साथ। वहीं दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एक नई भर्ती की जो निकाली जा रही है, यूपी पंचायत सहायक रिक्रूटमेंट। जी हां दोस्तों, यूपी पंचायत राज डिपार्टमेंट की तरफ से भर्ती की सूचना जारी कर दी गई है। तो यहां पर जो पद है पंचायत सहायक के पद है और अकाउंट्स के पद है जो कि डाटा एंट्री ऑपरेटर के हैं। ठीक है, कुल मिला के 2783 पदों पर यह बंपर भर्ती की सूचना जारी की गई है, जिसके लिए आपको ऑफलाइन आवेदन करना होगा। बाई पोस्ट ही आपको फॉर्म भर के जमा कराना होगा। चयन प्रक्रिया में केवल आपका मेरिट के आधार पर चयन होगा। सैलरी आपको 6000 रुपए प्रतिमा मिलेगी। उम्र सीमा जो है कम से कम 18 साल है, अधिकतम जो है 40 साल है। इसी में छूट है सरकार के नियम अनुसार, और आवेदन शुल्क बिल्कुल फ्री है सभी अभ्यर्थियों के लिए। योग्यता की बात करते हैं तो केवल 12वीं कक्षा पास अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं, और जॉब लोकेशन जो है उत्तर प्रदेश की रहेगी। वहीं दोस्तों इसके आवेदन जो है 18 मई से 28 जून तक चलेंगे। ये रहा लिंक अप्लाई करने का नोटिफिकेशन के साथ। वहीं दोस्तों एक और नई भर्ती की सूचना जारी हो चुकी है, जो कि आप देख सकते हैं डीआरडीओ की तरफ से, यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। दोस्तों डीआरडीओ की तरफ से जो भर्ती निकाली जा रही है, जूनियर रिसर्च फेलो जेआरएफ के पदों पर नई भर्ती है। अप्लाई केवल आपको ऑनलाइन करना होगा। सैलरी आपको 31000 रुपए प्रतिमा मिलेगी, और पूरे भारत की जॉब लोकेशन है, और पूरे भारत से सभी महिला और पुरुष अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। उम्र सीमा जो है अधिकतम 35 साल है। आयु सीमा में छूट है सरकार के नियम अनुसार। वहीं दोस्तों यहां पर योग्यता जो है बीबीटेक एमईएमटेक पास सभी अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। कुल पदों की संख्या 5 है। इसके आवेदन शुरू हो चुके हैं। 15 दिनों के भीतर आपको अप्लाई करना होगा। यह रहा लिंक अप्लाई करने का नोटिफिकेशन के साथ। दोस्तों ये थी आज की बंपर वैकेंसी की जानकारी। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर विजिट कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।